ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमारी नंबर सिस्टम की 20 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, आज हमारी 21वीं क्लास है। ठीक है, 21वीं क्लास के अंदर इस नंबर सिस्टम में हम अब रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या होता है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर में दो होते हैं, एक तो होता है सक्सेसिव और एक होता है कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान के चलना कि मैंने बात की किसकी, 15 की बात की, और 15 में मैंने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 × 12, 15 में से 12 गए, शेषफल कितना बचेगा, 3। ये 3 क्या है बताओ, शेषफल है। 3 क्या है, शेषफल है। सबसे पहले हम बात करें कि इसको हमने शेषफल नाम दे दिया, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बताओ, इसको हम भागफल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भागफल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, भाग देने वाले को हम भाजक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, भाज्य को हम क्या बोलते हैं बताओ। देखो, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं, भाजक को डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजर। और भाज्य भागफल को क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। ठीक है, और भाज्य को डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। इसके अंदर जो आपने चार चीज देखी है, एक तो भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, और ये क्या है, भाज्य। ठीक है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए कि शेषफल है। हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं पहले से। एक फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। ठीक है, भाज्य को क्या बोलते हैं, पीजी बोल सकते हैं वैसे तो। क्या बोल सकते हैं, इसको पीएक्स बोल सकते हैं, इसको हम जीएक्स बोल सकते हैं, इसको हम क्यूएक्स बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आरएक्स। ऐसे आप इसको मतलब पता होना चाहिए आपको कि जैसे हमारा भाग सही है कि नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं इसकी तरफ से। ये 15 है ना, भाजक क्या है इसमें, 4 है, और भागफल कितना है इसमें, 3 है, और शेषफल कितना है इसमें, ये भी 3 है, 4 × 12 = 12 और 3 = 15। तो ये बात हमको पता लग गई यहाँ से रिमाइंडर के बारे में। लेकिन रिमाइंडर यहाँ खत्म नहीं होता है, रिमाइंडर के 8 क्लासेज हैं आपकी। ठीक है, अब रिमाइंडर आप देखना, रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर के कई वो हैं, कई टाइप से। जैसे मैंने बात की 453 की, और इसे मैंने मान लो 3 का भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग दो, 4 × 4 कितना बचेगा, 5 बच गया, कितना बच गया, 5। इस 5 को हम क्या कह सकते हैं, इस 5 को हम कह सकते हैं फर्स्ट रिमाइंडर। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे भाग दो, 4 × 4 शेषफल कितना बच गया, 5। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, फिर से क्या उतारेंगे, फिर से उतारेंगे। देखो, 4 × 4 ये भाग दे दिया है ना, 5 उतर गया। अब क्या करेंगे, फिर से 4 × 4 यही करेंगे, 4 × 4 5 में से 4 के फिर क्या बच गया, 1। इस 1 को क्या बोल सकते हैं बताओ, इसको बोल सकते हैं सेकंड रिमाइंडर। क्या बोल सकते हैं, सेकंड रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या उतार लिया, यहां से 1 में भाग जाता नहीं तो क्या उतार लिया,
तीन उतार लिया, चार दिया 12, 13 में से 12 का कितने बचेंगे, एक बचेंगे। तो ये एक जो है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, थर्ड रिमाइंडर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बताओ आप, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये पहला रिमाइंडर है 5, ये दूसरा रिमाइंडर है, ये क्या है, तीसरा रिमाइंडर है। तो सवाल में किस तरीके से पूछेगा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको सिर्फ। कितने टाइप के भी मतलब रिमाइंडर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। समझ में आ गया, रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव और दूसरा क्या होता है, सक्सेसिव। समझ में आ गया ना, तो एक कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर एक तरीके से लगातार। अब आप देखना, मैंने एक सवाल सिंपल से सवाल ले लिया, मान लो 32 ले लिया, और 32 मैंने भाग दिया किसका, 3 का या 2 का, दे दो 2 एकम 2, 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1। इस 1 को क्या कहेंगे बताओ, इसको कहेंगे फर्स्ट रिमाइंडर। क्या कहेंगे, फर्स्ट रिमाइंडर। फिर से मैंने क्या उतार लिया, 2 उतार लिया, 2 6 कितना हो गया, 12। तो दूसरा रिमाइंडर ये क्या है, 0 क्या है आपका, ये है आपका सेकंड रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ पहले। देखो और आगे हम चलते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ली 529, 529 में मैंने 15 का भाग दे दिया, 15 का भाग, 15 क्या जाएगा, 45। कितना से इसमें बचेगा बताओ, 52 में से 45 गए कितने बचेंगे, 7। ठीक है, 52 में से 45 गए कितने बचेंगे बताओ, 7 बचेंगे। ठीक है, अब आगे जो ये 7 है ना, ये क्या है, इस 7 को हम क्या कह सकते हैं, ये है फर्स्ट रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे भाग दो, 7 हो गया, ऊपर से क्या उतार ले, 9, 15 × 5 = 75। बताओ क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये जो 4 है ना, ये क्या है आपका, सेकंड रिमाइंडर। बात आ गई समझ में, तो ये फर्स्ट रिमाइंडर है ना, सेकंड रिमाइंडर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, ये 7 और ये क्या है, 4, ये फर्स्ट रिमाइंडर और सेकंड रिमाइंडर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मान के चलना कि आपके पास ये शेष पर यहाँ पर है, और ये आपके पास है, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ से ये भी हटा दिया, और यहाँ से मैंने ये हटा दिया। समझ में आ गया, ये कोई संख्या है और आपको रिमाइंडर दे रखा है 4, 7 और 4। क्या दे रखा है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या दे रखा है आपको, 7, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4। आपको बताना है कि हम भाग किसका दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि हमने मतलब डिविजर क्या है इसमें। बात समझ में आ गई ना, आपको यहाँ पर भाज्य दे देगा, और क्या दे देगा, ये शेषफल दे देगा, 1 7 और 1 4 क्या है, लगातार 2 शेषफल आ गए, लगातार 2 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव शेषफल है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं लगातार शेषफल। अब आप मुझे ये बताना कि जो ये 52 है ना, ये 52, इस 52 में से आप अगर ये 7 घटा दोगे, यानी ये 52 जो दे रखा है, ये 7 आप जब घटाओगे इसमें से, तो 52 में से हम क्या घटाएं कि 7 बच जाए, तो 52 में से 7 घटा दोगे तो 45 आ जाएगा, नहीं जाएगा बताओ आप, आ जाएगा। इसका मतलब 52 में से 45 गए तो 7 बच जाएंगे। बात आ गई समझ में, अभी आप ये 9 ऊपर से उतार लो, 9 ऊपर से उतार दिया मैंने, अब आप मुझे बताओ 79 में से क्या घटाएं कि यहाँ पर ये क्या बच जाए, तो 79 में से आप 4 घटा दो, तो यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये 45 है और यहाँ पर ये 75 है, तो 45 और 75 का आपको एसचीएफ पता होना चाहिए, 45 और 75 का क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ इन दोनों का कितना जाएगा ये बताओ, दोनों का एचसीएफ कितना जाएगा, 15 आ जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ आप, कितना जाएगा दोनों का एचसीएफ, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें 15 का अगर डिवाइड करें, 15 × 5 = 45 और 15 × 5 = 75,
तो यहाँ से बताओ, मैंने इन दोनों की सहायता से आपको ये दो निकाल कर बता दिए, भाजक और भागफल। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से और समझा रहा हूँ। जैसे 528 है, कितना है 528, यहाँ ध्यान दो आप इसमें, ये 528 है मान लो। इस 528 में 12 का भाग देना है, ठीक है, ठीक है। ये 527 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 12 का डिवाइड कर रहा हूँ, 12 चौक 48, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो फर्स्ट रिमाइंडर क्या जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से 7 उतारो, 12 जाए 36 है ना, 12 चौक 48, 12 जाए 36, 12 चौक 48, 12 तिया कितना आ गया 36, कितना बचेगा 11। तो सेकंड रिमाइंडर वो क्या आ गया, 11 आ गया। इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात, ये बताओ, ठीक है। अब आप ये ध्यान से सुनना, यहाँ पर मान लो ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पर ये भी नहीं है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 52 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे बताओ, यानी यहाँ पर 48 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर 48 होना चाहिए तो ये वाला 7 यहाँ पर उतार देंगे आप। अब 47 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 36 बच जाएंगे, क्लियर है। तो 48 और इस 36 जो यहाँ पर है, ये इन दोनों का क्या ले लेंगे आप बताओ, इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, इन दोनों का आप एससीएफ ले लेंगे। इन दोनों का एससीएफ बताओ क्या आना चाहिए, आप बताओ, खुद बताओ आप। 12 आ सकता नहीं आ सकता बताओ, 12 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 तिया 36, तो आप मुझे बताओ आप डिविजर और ये जो पोटेंट है ये आप पता लग गया नहीं लग गया इससे, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम भाजक का और भागफल का पता लगा सकते हैं, तो हम समझते हैं क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है। देखो रिमाइंडर पर आधारित आज का पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। यदि 7550 यानी 7550 को दो अंकों की संख्या से लगातार विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 3, 11 और 14 है, तब वे दो अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो वे दो अंकों की आपको संख्या ज्ञात करनी है, कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप ध्यान से समझो एक बार। आपको क्या करना है, आपको 7550 लिखना है, क्या लिखना है, 7550 आपको लिखना है। आप लिखने के बाद ऐसे लिख दो यहाँ पर, आप बताओ पहला शेष फल क्या है बताओ, पहला शेष फल 3 है, दूसरा शेष फल कितना है 11 है, और तीसरा शेष फल कितना है 14 है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, आप मुझे बताओ 24 में से आप जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 72, ये 5 उतार लो, और 35 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 24, ठीक है। और उसके बाद आप 0 उतार लो, और 110 में से जब 14 घटाएंगे तो आपको बताओ क्या बचेगा 96, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। आप क्या करना है, आपको इस 72 का, इस 24 का और इस 96 का क्या करना है, एससीएफ आपको आना चाहिए, 72, 24 और 96 का एससीएफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका एससीएफ कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 इनका एससीएफ आ जाएगा। जब आपको एससीएफ पता लग जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, 24 को क्या करेंगे, 24 से 72, 24 से कम 24, और 24 से 96, 314 बार भाग जाएगा। आप मुझे इतना बता दो कि आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर आपसे ये पूछा है तो वह दो अंकों की संख्या ज्ञात करें, लगातार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से ये आ रहा है, तब वह दो अंकों की संख्या ज्ञात करो, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 7550 को दो अंकों की संख्या से लगातार विभाजित करने पर शेषफल ये आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यदि 64329 को दो अंकों की संख्या से लगातार विभाजित किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 64329 को तीन अंकों की संख्या से लगातार विभाजित करने पर
शेष फल क्रम से है 175, 114, 213 है, तब भाजक ज्ञात करो। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कैसे देना है। देखो आपको भाज्य दे रखा है 64,329, ये दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है। शेषफल, पहला शेषफल कितना है ये बता दो आप मुझे, 175। दूसरा शेषफल क्या है, 114। तीसरा शेषफल क्या है, 213। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले भाजक आपको ज्ञात करना है, इनमें से बताओ। देखो 643 में से 475 घटाओ कितना बचेगा, 13 में से 5 गए कितने बचेंगे, 8, है ना, 13 में से 7 गए 4, 6 बचेंगे ना, और 5 में से 1 गए 4, यही बचेंगे भाई। 643 में से 175 घटाओगे 468 बचेगा। अब 468 जो है ना, है ना, इसमें भाग किसका जा रहा है बताओ, इंडिविजुअल में से देखो आप किसका जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है किसका भाग जा रहा है, 234। आंसर तो यहीं पर आ गया आपका, आंसर यहीं पर आ गया। अब आप देखो दूसरी बात क्या है कि 175 जो है यहाँ पर देख रहा, 175 है ये, इसमें दो उतार दो आप, 1752 में से 114 घटाओ, है ना, 1752 में से 114 जब घटाओगे तो 12 में से 4 गए कितने बचेंगे बताओ, 8, 4 में से 1 गए 3, और 16 में से 1 गए 15, 4 में से 3 गए 1, और 17 में से 1 गए 16, कितना बच रहा है देखो, 1752 में से 1638 घटा रहे हैं 114। अब ऊपर से क्या उतार लो, 9 उतार लो आप। अब 1149 में से 213 घटाओ, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 11 में से 2 गए 9, यही आ रहा है क्या। अब आप देखो 1638, 936, 468 देखो और क्या है, 1638 और क्या है, 936, इन सब का आप क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो कितना आ रहा है बताओ, 234 आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 234 का एचसीएफ, अरे इनका एचसीएफ 234 आ रहा है ना, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 45, 67, 53 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रम से 44, 35, 46, 51 बचते हैं, तब भाजक के अंकों का योग ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमने लिख दिया 45, 67 और ये क्या है 53, भाग देना है आपको इसमें, ठीक है। अब शेषफल कितने बच रहे हैं बताओ, देखो शेषफल क्या बच रहा है, 44, फिर क्या बच रहा है 35, फिर क्या बच रहा है 46, फिर क्या बच रहा है 51 बचता है। अब आप मुझे बताओ 6 में से 4 गए कितने बचेंगे 2, 5 में से 4 गए 1, और 4 में से 4 गए कितने बचेंगे, 4 का 4 सॉरी, ये आ गया। फिर 7 उतार लो आप, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 3 गए 1, और 4 का 4। फिर आप 5 उतार लो, 5 में से 15 में से 6 गए 9, और 4 में से 4 गए 0, 309, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 उतार लो आप, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 5 गए 1, और 4 का 4, ठीक है। आप देखो इसमें यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो आप क्या है यहाँ पर, 412 और 412 और 412 और क्या है 300 क्या है 9। अब तो आपका आंसर पता ही लग जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसमें सबका भाग जा रहा है, 103 का भाग बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो एचसीएफ होगी इनकी, ठीक है, इन तीनों सब चारों में भाग जाएगा, 412 में जाएगा, 412 में भी, 412 में भी, और 309 में भी, किसका जाएगा 103 का जाएगा। तो 103 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका डिविजन हो जाएगा, 103 सब कितना होता है 412, फिर ये 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा 103 या 309, फिर 103 चौक ये, तो आपको डिविजन भी पता लग गया और आपको
ये यहाँ पर भागफल भी पता लग गया। तो 103 क्या है, भाजक है, भाजक के अंकों का योग आपसे पूछा है इसमें। जब 103 के अंकों का योग हम करेंगे, 1 + 0 + 3, 3 और 1 क्या जाएगा, 4, 4 इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।